हेलो जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आज के व्लॉग में। आज है डे 7 भारत यात्रा का और आज हम निकलने वाले हैं बनारस से बाहर की तरफ, पटना की तरफ। तो 2 दिन यहाँ पे कटे क्योंकि ऑफिस जो था मेरा, इसलिए मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ा था। तो आज निकलते हैं अपने सफ़र पे। बनारस हमने पूरा कवर कर लिया, सारी चीज़ें जो देखने वाली हैं वो देख ली हैं और कुछ चीज़ें हैं अगर टाइम मिला तो मैं उनको भी कवर करूँगा। अदरवाइज आगे चलेंगे पटना की तरफ, देखते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला डेस्टिनेशन होगा जो दार्जिलिंग सिलीगुड़ी। ठीक है, तो आप निकलते हैं, तो शुरू करते हैं, चलो। अरे मौसम बड़ा शानदार हो रखा है भैया, बहुत प्यारा मौसम हो रखा है। देखो ये वाराणसी का स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो जी सुबह सुबह पूरे बनारस में आपको कचौरी की खुशबू महसूस होगी, कचौरी की खुशबू, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह लोग कचौरी खाना पसंद करते हैं नाश्ते में। तो पूरे सड़कों पर आपको सिर्फ कचौरी की खुशबू, मतलब उसका एहसास होता रहेगा। चलो जी, मस्त कचौरी खा ली मैंने अभी, वहाँ का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो कैमरा और ये हाथ में होता ना मेरे, बोर्ड तो लोग पैसे दे देते, इसलिए मैंने वो अंदर रख दी थी। तो चीज़ें मस्त नाश्ता हो गया, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो चलो जी शुरू करते हैं, मैंने पहली लिफ्ट लेनी। देखो जी पहली लिफ्ट मिल गई, भैया ने दे दी। भैया आपका नाम क्या है? योगेंद्र कुमार। योगेंद्र जी, योगेंद्र जी ने पहली लिफ्ट दे दी। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छी नहीं जी, नहीं वहाँ जा रहा हूँ, क्या कहते हैं पटना साइड में। तो आप कितना कितना किलोमीटर गए? हम तो हैं फुल पार कर। चलो फुल पार करवा दीजिए, धन्यवाद। चलो जी थैंक यू भैया। आप कितने किलोमीटर जाएंगे सीधा? जहाँ से मैं जाएंगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक तक आप कैसे? थैंक यू सो मच भाई। और ये था मुकेश कुमार आदम। मुकेश, चलो जो मुकेश जी ने लिफ्ट दे दिए, देखते हैं कितने किलोमीटर चलते हैं। थैंक यू भैया। आप कहाँ तक जाएंगे सीधे हैं? और यार चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पटना की साइड जाऊंगा। तो जितना चलेंगे आप मुझे छोड़ दीजिएगा। कितने किलोमीटर जाएंगे? 20-25 किलोमीटर। चलो जी 20-25 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई भाई के साथ, थैंक यू सो मच भैया। चलो जी काफ़ी लंबी लिफ्ट मिल गई, पहुंच गए गाजीपुर के आसपास। अब आगे को निकलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। आज टारगेट तो हमारा दार्जिलिंग है। चलो अभी लगभग यहाँ से 700 किलोमीटर है, उससे पहले एक जगह तो कहीं जगह रुकेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। लेट्स सी कहाँ तक लिफ्ट मिलती है। चलो जी मज़ा आ रहा है, खूब मस्त मस्त लोगों से मिल रहे हैं, सबसे मस्त मस्त लोगों से मिलना हो रहा है और मज़ा आ रहा है। चलते आगे की तरफ, लेते हैं लिफ्ट। चलो धन्यवाद जी, भाई ने गाजीपुर तक की लिफ्ट दे दी, थैंक यू भैया। आपका नाम क्या है भैया? शुभम चौरसिया। शुभम जी, चलो जी शुभम जी ने लिफ्ट दे दी। सर ने काफ़ी लंबी लिफ्ट दे दी, थैंक यू सो मच। अच्छी चलिए देखो जी, भाई ने अपने आप ही रख दी गाड़ी। आपका नाम क्या है? प्रिंस यादव। क्या? प्रिंस यादव। प्रिंस यादव जी, ओ थैंक यू सो मच। कितनी दूर तक जाएंगे आप? 5 किलोमीटर। मेरे को पटना की तरफ जाना है, तो जहाँ तक आप सोइए दूर है। थैंक यू, धन्यवाद। चलो यार बड़े बढ़िया लोग हैं, अपने आप ही रोक देते हैं आगे ना, कभी कभी तो बोर्ड ही नहीं उठाना पड़ता, ऐसा भी होता है अक्सर। इन्हें अपने आप ही लिफ्ट दे दी, थैंक यू सो मच भैया। क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश जी ने, चलो ये देखो बालकों का झूला कितना बढ़िया है। तो जी इस टाइम मैं हूँ बक्सर में, बक्सर में यहाँ पे गवर्नमेंट का एक होटल है जिसमें आज मुझे सर ने रुकने की परमिशन दी है। सर बड़े अच्छे हैं, उन्होंने मैंने बताया कि ऐसे से मैं ऐसे जा रहा हूँ यात्रा कर रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे रुकने की परमिशन दे दी है, धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? अरुण सिंह। अरुण सिंह जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। इस जर्नी में मुझे वाकई में हर कोई बहुत अच्छा मिला, मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं पूरी दुनिया में। ये चीज़ें हम जब घर से बाहर निकलते हैं तब ही हमें दिखाई देती हैं, घर के अंदर बैठ के तो बस जो दूसरा बंदा बोलता है वो चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जब खुद आप ऑब्जर्व करेंगे जाके चीज़ों को तब एक अलग ही नज़रिया सामने आपके होगा। तो जी आज मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ रखा हूँ, मैं यहाँ पर एक मैं तो जी मैं हूँ अभी बक्सर में, और बक्सर में एक गवर्नमेंट बक्सर में सरकारी होटल है, तो होटल में एक्चुअली कमरे तो थे नहीं,
क्योंकि सारे के कमरे बुक हो रखे हैं, यहाँ पे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है तो फिल्म की शूटिंग वालों ने सारे कमरे बुक कर रखे हैं। तो मैंने लगाया हुआ देखो यहाँ पे टेंट, और आज हम रहने वाले हैं टेंट में। वाओ ये वाला, ये देखो ये मस्त, ये गार्डन टाइप है, ये है पार्किंग, मतलब ये एरिया है यहाँ पे, मस्त घास फास है, मस्त यहीं पर मैंने टेंट लगा लिया। तो आज हम यहीं पर रुकने वाले हैं रात को, मस्त टेंट में सोएंगे। ये तो जी ये है आज का हमारा घर, आज हम रुकने वाले हैं स्टैंड में, यहीं पे मस्त सोने वाले हैं। ये मस्त मज़ा आ रहा है भाई, एकदम अल्टीमेट। और यहाँ लाइट भी आ रही है तो रोशनी की भी टेंशन नहीं है, मस्त जगह मिल गई है अल्टीमेट। ऐसे हो जाता है भैया, भगवान ने सब चीज़ें अपने आप सेट कर रखी हैं, मस्त कोई टेंशन नहीं, चल एकदम इंजॉय। तो चलती बस, तो चलो जी अब आराम करते हैं, सुबह उठ के आगे को निकलना है क्योंकि कल ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते कवर करना है, क्योंकि हमारा टारगेट तो कहाँ है, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, लेट्स सी। चलो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।